हाय एवरीवन, मैं हूँ अनीमा। माय वेंजेंस बाय अनीमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये लड्डू सेहत से भी भरपूर है और स्वाद भी बहुत बढ़िया है, और इसको बनाना भी बहुत आसान है। जो भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट यूज किए हैं वो बहुत ही अच्छी है, सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है और टेस्टी तो होती ही है। आसानी से आपके आसपास ये मिल भी जाएगी, तो इस लड्डू को जरूर बनाइएगा। देखिए, है ना बहुत ही मजेदार। तो ये गर्मियों में खाई जाने वाले लड्डू है जो आपके सेहत का भी ध्यान रखती है, और सिर्फ 2 चम्मच घी में मैंने इसको बना करके तैयार किया है। तो चलिए इसकी रेसिपी को देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई गर्म किया है, और इसमें जैसे कि मैंने बताया था 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे घी ले लिया है। तो घी आपको 2 बड़े चम्मच ही लेना है, जो इंग्रेडिएंट मैं जैसे बता रही हूँ वैसे ही आपको लेना है। तो 2 बड़े चम्मच यहाँ पे घी गर्म हो चुका है। तो अब इसमें जाएगा मखाना। मखाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो यहाँ पर हमें 4 बड़े चम्मच, जिस चम्मच से हमने घी लिया है उसी चम्मच से आपको लगभग 4 बड़े चम्मच के करीब आपको मखाना ले लेना है। और मखाना को हम, जो ये घी है वो अच्छे से गर्म हो चुका है, तो गैस के फ्लेम को हम बिल्कुल लो पर कर देंगे, और लो फ्लेम पर ही हमें मखाना को फ्राई करना है। मखाना अगर आप खाते हैं तो आपका जोड़ों का दर्द है, जो हड्डियाँ होती हैं वो बहुत मजबूत हो जाती हैं। फिर आपको अगर शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटिक हैं अगर आप, तो भी आप अगर मखाना घी में रोस्ट करके खाते हैं तो फ़ायदेमंद होती है। हार्ट की प्रॉब्लम में भी मखाना फ़ायदा करता है। बहुत सारा कुछ है जिसमें मखाना बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसी तरीके से लो फ्लेम पर हमें क्या करना है, इसको ड्राई रोस्ट अच्छे से कर लेना है, और इसको क्रिस्पी बनाना है क्योंकि हमें इसको ग्राइंड करना है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे होने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कितना गर्म है हमारा घी। तो इसी तरीके से लो फ्लेम पर ही रखें, और इसमें जाएगा कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पर कुछ बादाम कट के लिए हैं, काजू है और किशमिश है। तो इसका जो रेशियो होगा वो, जैसे मखाना हमने 4 चम्मच लिया, तो ये जो ड्राई फ्रूट्स है वो लगभग 2 से 2.5 चम्मच के करीब आपको रखना है। इसमें आप पिस्ता, अखरोट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग ले लीजिए, और इसको हल्का सा रोस्ट करना है हमें, बहुत ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा रोस्ट करना है। कोई भी ड्राई फ्रूट्स को अगर आप घी में रोस्ट करके खाते हैं तो उसका जो फ़ायदा है वो बढ़ जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि घी में फ्राई कर दिया इट मीन्स कि अब ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला है, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ड्राई रोस्ट करके खाइए या फिर घी में रोस्ट कर लीजिए। घी में रोस्ट किया हुआ ड्राई फ्रूट्स जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाता है। तो देखिए, ये हल्का हल्का हमने रोस्ट कर लिया है, तो बस इसको निकाल लीजिए। ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है, ये देखिए। और कढ़ाई में आप देखिए बहुत ही थोड़ा सा घी बचा हुआ है, लेकिन हमें और घी ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसी घी में हम बेसन को भूनेंगे। बेस के लिए आप बेसन ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आटा भी ले सकते हैं। और ये कितना लेना है, तो ये 6 बड़े चम्मच आपको लेना है। तो अब रेशियो क्या हो गई, 6 बड़े चम्मच कोई बेस लीजिए, चाहे वह आटा हो या फिर बेसन हो, 4 बड़े चम्मच हमें मखाना लेना है, और 2 बड़े चम्मच हमें ड्राई फ्रूट्स लेनी है, और 2 बड़े चम्मच ही हमें घी लेना है। अब मिठास के लिए क्या यूज़ करेंगे वो अभी हम बाद में देखते हैं। और बेसन को जो हम यहाँ पे रोस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे से पकाना है, आटा हो, गेहूं का आटा हो या बेसन हो, इसको अच्छे से यहाँ पकाइए, कच्चा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और इसको तब तक पकाना है जब हल्का सा ये दानेदार सा हो जाए, जैसे ऐसा लगेगा कि आपने सेमोलिना या सूजी लिया हुआ है, इस तरीके से ये हल्का सा रोस्ट हो जाता है। चाहे तो आप कलर देखकर भी इसको पता कर सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगी कैसे फ्राई करना है। और जो भी पूरा प्रोसेस है, जो बेसन भी मैं रोस्ट कर रही हूँ ये भी मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट किया है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको लो फ्लेम रखते हुए रोस्ट करना है। ये देखिए बिल्कुल नज़दीक से मैं आपको दिखाती हूँ, है ना, बिल्कुल लग रहा है कि दानेदार सा हल्का सा हो गया। तो अब ये लगभग हो चुका है, तो इसके बाद आपको गैस को बंद कर देना है, और गैस को बंद करने के बाद किसी प्लेट में इमीडिएट इसको निकाल लीजिए, या इसी में 1 मिनट के लिए बंद होने के बाद भी आप चलाते रहिए, ताकि ये नीचे से जो कलर है वो डार्क ना हो जाए और ये जल ना जाए। तो बस ये इसको निकाल के मैंने एक बोल में रख लिया है, ये ड्राई फ्रूट्स को रख लिया है। अब ड्राई फ्रूट्स इसी में हम मिला देंगे, थोड़ा सा मैंने इलायची भी ले लिया है, इसको रोस्ट नहीं किया था। यहाँ पर मिठास के लिए मैंने गुड़ लिया है,
तो ये भी 4 से 5 बड़े चम्मच के करीब आपको लेना है। मिठास थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन 4 चम्मच से कम नहीं लेना है और 6 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मखाना मैंने मिक्सी में डाल लिया है, तो ये सीक्वेंस भी आप फॉलो कीजिएगा। सबसे नीचे रखना है हमें मखाना, तो मखाना हमने सबसे नीचे रख लिया है। इसके बाद जो है हम बेसन ऐड करेंगे, जो हमने रोस्ट करके बेसन रखा था वो ऐड कर देना है। इसके बाद जो है वो गुड़ ऐड करना है, ताकि ये सब कुछ मिक्सी के हेल्प से हम कर रहे हैं तो इसको बहुत इजी हो जाएगा बनाना। इसके बाद थोड़ी सी इलायची जो है वो डाल दिया, साथ ही के साथ जो ड्राई फ्रूट्स हमने रखा हुआ था वो भी इसी में ऐड कर लेंगे। अब आपकी मर्जी, ड्राई फ्रूट्स आप ऊपर से चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, सारा का सारा ऊपर से मिला दें, लेकिन हल्का सा अगर इसमें आप ग्राइंड कर लेंगे तो वो बहुत टेस्टी हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा बचा लिया है, बाकी इसी में डाल दिया है और इसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंड आपको जो करना है वो अच्छे से करना है, 1 से 2 मिनट करना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। इतना देख लीजिए चला के कि कोई गुड़ का टुकड़ा या फिर ऐसे कुछ ज़्यादा मोटा नहीं हो, दरदरा सा होना चाहिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, कंसिस्टेंसी दरदरा सा है। तो बस इसको एक प्लेट में हमें निकाल लेना है और निकालने के बाद आपको क्या करना है कि हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो कई बार क्या होता है, जैसे गुड़ है या बेसन है वो आपस में कई बार मिक्स तो हो जाता है, लेकिन हर जगह इवेनली मिक्स हो जाए इसके लिए हम हाथों से एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये मिक्स हो चुका है। और अब ये जो हमने बचा करके रखा था थोड़ा एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट्स, वो इसमें ऐड कर लेंगे। और इसमें एक्स्ट्रा घी या गुड़ ऐड करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, अदरवाइज जो लड्डू है वो हार्ड बन जाएगी। अभी आपको देख के लग रहा होगा कि इसकी लड्डू कैसे बनेगी, ये तो भुरभुरा सा है, तो कोई बात नहीं, फिर भी बन जाएगी, बहुत अच्छे से बन जाएगी। बस बनाने का टेक्निक आप देख लीजिए और ये बहुत अच्छे से बन जाएगी, क्योंकि इसमें गुड़ जो है वो और जो घी है वो दोनों ही हेल्प करेगा हमारे लड्डू को बनने में। तो इस तरीके से आप जितना बड़ा लड्डू बनाना हो उतना बड़ा ले लीजिए, मैं छोटा सा ही बना रही हूँ। तो इस तरीके से हल्का सा हाथों को दबाते हुए आपको लड्डू को बनाना है, थोड़ा सा प्रेशर डालिए। जैसे ही आप प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा कि जो उसमें गुड़ है और घी है वो ऊपर ऊपर आ जाएगा और लड्डू जो हमारा है वो ऊपर से चिकना सा दिखने लग जाएगा। तो जब बन जाता है मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरीके से हल्के हाथों से दबाने के बाद ये शेप लेना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें हमेशा घर में बनाते रहिए, एक तो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और लड्डू है तो बच्चे प्यार से खा भी लेते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा सौंफ भून करके इसमें डाल सकते हैं अगर स्वाद आपको पसंद हो। और ये देखिए लड्डू हमारा बनके तैयार हो गया, देखिए कितने अच्छे से बन गया है। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा घी डालने की या कोई अलग से एक्स्ट्रा गुड़ डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको ऐसे ही आपको बनाना है। तो मैं एक और लड्डू आपको बना करके दिखा देती हूँ। और ज़्यादा घी डालेंगे तो क्या होगा ये भी मैं बता देती हूँ, अगर आप इसमें एक्स्ट्रा घी डाल देते हैं तो जो लड्डू हमारी बनेगी वो सख्त हो जाएगी, तो फिर टेस्ट वाइज ये लड्डू अच्छी नहीं लगेगी। तो ये देखिए लड्डू है ना मज़ेदार, और बहुत ईजिली जब बन ही जा रहा है तो फिर हमें एक्स्ट्रा घी या गुड़ डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ऐसे ही मज़ेदार आप लड्डू को बनाइए। और ये देखिए सारे लड्डू एक एक करके मैं बना करके आपको दिखा रही हूँ। और इसमें और भी कुछ आप डाल सकते हैं, जैसे हम पंजीरी बनाते हैं ना उसी तरीके से, लेकिन वो सर्दियों के लिए है तो मैं सर्दियों में वो लड्डू बनाना आपको बताऊँगी। तो ये गर्मियों के लिए इतने ही जो मेज़रमेंट मैंने बताया है इसी मेज़रमेंट से आप बनाइए। एक्स्ट्रा में आप थोड़े ड्राई फ्रूट्स और मिला सकते हैं, मेज़रमेंट नहीं वैरायटी मिला सकते हैं ज़्यादा, मेज़रमेंट इतना ही आपको रखना है। और एक छोटा सा है इसको भी मैंने बना करके रख लिया है, और इसमें एक्स्ट्रा और थोड़ा सौंफ आप चाहें तो वो भून करके मिला दीजिए, अदरवाइज जैसा ये मैंने बनाया है बिल्कुल इसी तरीके से बनाइए। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही ताकतवर लड्डू ये आपकी बनके तैयार हो जाएगी। तो बस करना क्या है, एक लड्डू आपको 1 गिलास दूध के साथ, बच्चे बड़े किसी को भी आप दीजिए, ये बहुत ही ताकत आपको देगी, हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। और ये देखिए इसको तोड़ करके दिखाती हूँ, अंदर तक बहुत अच्छे से ये पक चुका है, अंदर तक इसका टेस्ट है, ड्राई फ्रूट्स भी बिल्कुल अंदर तक है। तो फिर है ना सेहत और स्वाद का खजाना आपके हाथ में, तो बनाइए फिर इसको, ज़रूर बनाइए। एक एक लड्डू भी अगर सुबह शाम आप बच्चे को दे देते हैं वो स्वाद स्वाद में तो ज़्यादा ही खा लेंगे, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं खाने देना है।
तो इसको जरूर खिलाइए। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए। तो मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।